गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000 अमेंडेड इन 2005, 2009 एंड 2013. तो ये मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? लॉन्ड्री वर्ड सुना है, लॉन्ड्री क्या होती है? लॉन्ड्री जो आपके गंदे कपड़े, डर्टी लाइनिंग को क्लीन करती है, उनको क्या कहते हैं? लॉन्ड्री, यानी कपड़े वॉश करके साफ करती है. तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? जो डर्टी मनी है, यानी मनी अर्न फ्रॉम क्राइम्स, जो इंडियन पेनल कोड के अंदर जो प्रोविडेड है, जो क्राइम्स हैं, अपराध हैं, क्रिमिनल्स की मनी, क्राइम से, उस मनी को थ्रू बैंकिंग ऑपरेशंस, उसको किसी बैंकिंग बैंक में डालना, फिर उस बैंक के थ्रू बैंक में किसी कंपनी के अकाउंट्स में डालना, और बाद में उसको लीगलाइज चैनल में यूज करके एक्विजिशन ऑफ असेट, प्रॉपर्टी, बिजनेस और फॉर कंजम्पशन दैट, और यूजिंग मनी टू सो इट एज ए लीगल मनी, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. यानी डर्टी मनी को आप अकाउंटेड मनी, सही मनी दिखा के लीगलाइज वे में यूज करना, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग. ओके, तो मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता, अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटी, ड्रग्स की एक्टिविटी, क्रिमिनल्स मनी, इन सब मनी को प्रिवेंट करने के लिए, क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया. ठीक है, जिसको हम कहते हैं काला धन को सफेद करना. काला धन, काले का मतलब काली कमाई, काली कमाई मीन्स क्राइम से कमाई, जो काले धन को सफेद करना, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये प्रिवेंशन एक्ट 2002 में आया, और इसको अमेंड किया गया 2005, 2009, और रिसेंटली इट हैज बीन अमेंडेड इन 2013. किस लिए? कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो ट्राइब पूरे वर्ल्ड में चल रही है, उसका मेंबर बना इंस्टीट्यूट अपना इंडिया, और ये प्रिवेंशन एंड लॉ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अमेंड किया गया इवन इन 2013. ओके, तो सबसे पहले हमने आपको बताया एक जनरल सेंस में, अब हम बताते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एज पर एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग क्या है. तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे डिफाइन किया गया है? तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन को आप, ये जो कप है, एक कप, इससे आज ये कर सकते, एक कप यानी एक्विजिशन, एक्विजिशन, कंसीलमेंट, कंसीलमेंट, यूज और पजेजन, पजेजन. तो ये यूज वर्ड है, ये 2013 एक्ट से अमेंड होके इसमें इंसर्ट हुआ. तो नाउ क्या है मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन? इज एक्विजिशन, कंसीलमेंट, यूजिंग, पजेजिंग, पजेजिंग, ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पजेजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
यानी आप कंसील करते हो, एक्वायर करते हो, यूज करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक्विजिशन, कंसीलमेंट, यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इंडल्ज, डायरेक्टली इंडल्ज, इंडल्ज असिस्ट और इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी। Of claiming, tainted money or property as untainted money. Tainted money. Okay. यहाँ एक बर्ड रह गया, ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम ले रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एज अमेंडेड इन 2005, 2009 एंड 2013। ये मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड क्या है सर? ये लॉन्ड्री वर्ड तो हम जब कपड़े वाश कराते हैं, लाइनन अपनी डर्टी लाइनन को क्लीन कराते हैं, वॉशिंग कराते हैं, उसको कहते हैं। यस, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, लॉन्ड्री मीन्स क्लीनिंग। ओके, यानी हम अपने गंदे कपड़े डर्टी लाइनन को जब वॉश करा के उसको चमकदार बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? लॉन्ड्री। इसी तरह जो डर्टी मनी होती है, उस डर्टी मनी की को साफ करने की प्रोसेस, यानी जो क्राइम की प्रोसीजर है। डर्टी मनी क्या होती है? काला धन। काला धन कौन सा? काला धन नॉट इन द सेंस ऑफ ब्लैक मनी ओनली ऑन वायलेशन ऑफ द इनकम टैक्स। ब्लैक मनी मीन्स प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, यानी कोई भी अन्य थ्रू एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। क्राइम क्या होता है? एनी एक्टिविटी विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए क्राइम इन द इंडियन पेनल कोड। तो यदि कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को हम थ्रू बैंकिंग चैनल या किसी तरह उसको ऐसा दिखाते हैं कि वो हमारी लीगली अर्न मनी है और उसको मेन स्ट्रीम में लाते हैं फॉर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ असेट्स, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस और फॉर कंजम्पशन, एक्विजिशन ऑफ द प्रेशियस मेटल, दीज ऑल का प्रोसेस इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। क्या होती है कि जो भी स्मगलिंग से मनी है, डकैती से है, ठीक है, किडनैपिंग से है, ये सारी मनी, ड्रग पेडलिंग से है, इस सारी मनी को कुछ कंपनीज बनी होती है, उन कंपनीज में अर्निंग दिखा के
लीगली अर्न दिखा के जमा करा दिया जाता है। उसके बाद वो पर्सन उस कंपनी से लोन ले लेता है और लोन लेके उस कंपनी से प्रॉपर्टी ले लेता है। ये सारी जो प्रोसेस है ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। तो क्राइम बढ़ता गया, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ती गई, तो 2002 में एक्ट लाया गया फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, विच वॉज अमेंडेड इन 2005, 2013, 2009 एंड रिसेंटली इन 2013 एंड नाउ इन 2014 मैनी ऑफ द प्रोविजंस आर नोटिफाइड फॉर द PMLA। ओके, आपको अभी आप बैंक में जाते हैं तो पैन नंबर आइडेंटिटी पहले की अपेक्षा आप समझते हैं कि आज की डेट में काफी डिफिकल्ट होता है बैंक अकाउंट खोलना, या हर जगह आपको KYC देना पड़ता है, नो योर क्लाइंट। ये सब कुछ कैसे आया? ये सब कुछ आया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से, कि आप जानिए किसका पैसा है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। अभी तो 31 मार्च के बाद तो इवन जो 5 साल पुराने नोट हैं वो भी अब चलन में बंद हो जाएंगे। रघुराम राजन जो RBI गवर्नर है उन्होंने कहा है, उससे तहलका मचा हुआ अंडरवर्ल्ड में दाऊद में कि भाई ये जो मनी है जो क्राइम की मनी है ये बेकार हो जाएगी। तो इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ने भी काफी तहलका मचाया। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मैंने आपको समझाया, लेकिन इसका टेक्निकल इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या कहता है मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसके लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का हमें जाना पड़ेगा Section 2 and Section 3। ये Section 2 and 3 क्या कहता है? ये कहता है प्रिवेंशन ऑफ मनी, जिसको मैंने याद करने के लिए एक नोमोनिक्स बताया है, इसको आपको कब याद रखना है, क्या याद रखना है? एक कप। तो ये एक कप, क्योंकि तो कप का मतलब है सी कंसीलमेंट, कंसीलमेंट एक्विजिशन यूज, यूज या यूजिंग, पजेजिंग। ये यूजिंग वर्ड अभी जोड़ा गया 2013 के अंदर, पजेजिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इंडल्जिंग इन्वॉल्विंग और इंडल्जिंग इन्वॉल्विंग और असिस्टिंग एनी एक्टिविटी टू शो इट एज अनटेंटेड यानी लीगल वाइट मनी, अनटेंटेड मनी, टू शो इट एज अनटेंटेड मनी प्लस प्रोजेक्ट्स क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड मनी इज कॉल्ड मनी लेंडिंग। क्या करते हैं, यदि आपने कोई भी क्राइम की प्रोसीड्स है वो उसको आपने एक जेन्युइन इनकम दिखाई और उस पर इवन टैक्स दे दिया, ये नहीं कि आपने इनकम टैक्स दे दिया तो वाइट मनी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर यदि आपने जो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है तो
तो ये डेफिनेशन क्या कहता है, आपने कोई कंसील की जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी किसी अपराध से कमाई हुई। प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम का मतलब जो भी इंडियन पेनल कोड्स के अंदर क्राइम है, अभी हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की भी डेफिनेशन आपको बताएंगे। तो जो प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है उसको आप कंसील करते हो, छिपाते हो, एक्वायर करते हो, और 2013 से यदि यूज करता है कोई भी आदमी, ठीक है, यूजिंग, अब जो है ये 2010 में क्या कर दिया, नोइंगली और अननोइंगली। अब जो है काफी, हालांकि हमारे यहां होता क्या है, जनरली जब तक कि किसी आदमी की मैलाफाइड इंटेंशन ना हो तब तक उसको क्रिमिनल नहीं माना जा सकता, क्राइम में इन्वॉल्व नहीं माना जा सकता, लेकिन 2013 में इवन इसके अंदर नोइंगली एंड अनलोइंगली वर्ड भी जोड़ दिया गया है। तो सेक्शन 23 क्या है, कंसीलमेंट यूजिंग पजेजिंग नोइंगली और अनोइंगली ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इंडल्जिंग इन्वॉल्विंग असिस्टिंग इन एनी एक्टिविटी टू सो इट एज अनटेंटेड मनी और यूजिंग इट इन एनी प्रोजेक्ट फैक्ट्री बिल्डिंग क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड मनी, दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। समझ में आ गया, यानी जो अपराध से कमाई हुई इनकम को एक लीगल कमाई हुई इनकम दिखा के हम उसको इवन उस पर टैक्स भी दे देते हैं तब भी वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एक का पाप याद करना, एक्विजिशन कंसीलमेंट एक्विजिशन यूजिंग पजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इंडल्जिंग इन्वॉल्विंग इंडल्ज होते हो इन्वॉल्व या किसी को असिस्ट करते हो दूसरे पर्सन को टू सो इट एज अनटेंटेड मनी प्लस प्रोजेक्ट क्लेमिंग इट एज अनटेंटेड मनी, ये सारा कुछ कहलाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। समझ में आया, यानी आप कोई भी अपराध से कमाई हुई कमाई को यदि असिस्ट करते हो उसको लीगल बनाने में, आपने कहा किसी ने क्राइम से कमाई तस्करी से कमाई इनकम को, आपने कहा भाई आप ऐसा है हम बिल काट दे, आप बिल काट दीजिए, इसको हम प्रोफेशनल रिसीट दिखा देंगे और आप टैक्स दे दीजिए और आप आराम से बैंक में जमा करा दीजिए, यानी उसका जो ट्रू नेचर है कि ये क्रिमिनल कमाई है उसको यदि आपने छुपाया तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज बेसिकली आप केवल इसको ब्लैक मनी जो हम समझते हैं कि जिस पर टैक्स नहीं दिया गया वो वाली मनी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिकली मतलब है कि जो इंडियन पेनल कोड के अंदर जो प्रोहिबिटेड वे है उनसे कमाई हुई इनकम। ओके, तो इसके लिए हम समझेंगे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन, ये भी सेक्शन 2 में दी हुई है 2U के अंदर। तो अब हमें समझनी होगी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो ये क्या है होती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है ये और आपने को समझ लेना है। हाँ जी बताइए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज प्रॉपर्टी डेराइव्ड और ऑब्टेन्ड, प्रॉपर्टी डेराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज। हाँ जी दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज। ओके, तो जो क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाई हुई इनकम है उसको प्रोसीड्स
ऑफ क्राइम कहेंगे। तो ये जो मनी लैंडरिंग में जो भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये जो भी पनिशमेंट, इसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है, जो 3 to 7 years था जिसको बढ़ा के कर दिया गया कुछ केसेज में, इन सम केसेज 10 years इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट जो 3 to ओरिजिनल एक्ट में 3 to 7 था, ये आपको बढ़ा के सजा आपको, तो आप जेल के अंदर होगे, है ना, 10 years के लिए। साथ ही साथ जो फाइन है, फाइन जो था 10,000 से लेके 2-5 lakhs था, अब ये जो 5 lakhs है ये हटा के इनफाइनाइट कर दिया गया है 2013 में। तो एनीबॉडी हुई इन्वॉल्व इन द, ठीक है, तो इसके अंदर दो तरह के क्राइम है, जो पार्ट टू के क्राइम है उनके लिए 10 years कर दिया गया है, ये पार्ट वन के क्राइम है जिनके लिए 3 to 7 years है। तो क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यदि आपने कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, उसको जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया कितना, 3 to 7 years से बढ़ा के 10 years करा दिया गया है पार्ट टू के केस में, और फाइन जो था वो 10,000 से बढ़ा के 10,000 से 5 lakh तक था, अब जो 5 lakh रुपए तक की 10,000 to 5 lakhs था, 5 lakhs की लिमिट अब हटा दी गई है, अब इनफाइनाइट कितना भी फाइन लग सकता है। तो ये काफी स्ट्रिक्ट हो गया है प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हाँ जी, तो कुछ कुछ बात समझ में आई प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की। हाँ जी, तो अब हम समझते हैं कुछ और चीजें। तो ये बेसिकली अपराधों को रोकने के लिए और जो अपनी लीगल इकोनॉमी है उनमें क्रिमिनल्स हावी ना हो जाएं, क्रिमिनल्स की मनी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के पार्ट में जो प्रॉपर इकोनॉमी है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि क्रिमिनल्स एक्टिविटी वाले हावी हो जाएं। इन सब कामों के लिए ये हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। ओके, अब आ जाइए इसके लिए क्या कहा गया है कि कुछ रिपोर्टिंग एंटिटी डिफाइन की गई है। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब कि सर्टेन ट्रांजैक्शंस, सेक्शन 2 ने कुछ रिपोर्टिंग एंटिटी है, जैसे बैंक हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ओके, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस इंटरमीडियरीज हो गई, जो सेवी की इंटरमीडियरीज हैं, उसके अलावा अब उनमें जोड़ दिया गया है इवन ट्रेडर्स ऑफ द गोल्ड एंड ज्वेलरी एंड इवन एंटरटेनमेंट स्कीम वाले, इंश्योरेंस कंपनीज वाले। कोई भी व्यक्ति यदि कोई ट्रांजेक्शन करता है, जैसे कि बैंक में कोई 10 lakh से ज्यादा कैश जमा करता है, या कोई सस्पेक्टेड उनको कोई ट्रांजेक्शन होता है, तो इन सब रिपोर्टिंग एंटिटीज को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर सर्टेन थिंग्स डिस्क्लोज करनी होती हैं, रिपोर्ट करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एज पर सेक्शन 2 रिपोर्टिंग एंटिटी क्या कौन कौन सी। तो सबसे पहले बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंसिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंसिंग कंपनी, सिक्योरिटीज यानी सेबी के अंदर जितनी इंटरमीडियरी हैं, शेयर ब्रोकर्स एक्सेट्रा, इंश्योरेंस कंपनीज, और अब 2000 के बाद प्लस ज्वेलरी एंड प्रेशस मेटल डीलर्स,
के प्लस रियल एस्टेट एंड प्लस एंटरटेनमेंट कंपनी जो कि गेमिंग एक्टिविटीज में जिसमें लॉटरी टाइप की गेमिंग एक्टिविटीज में जो भी इन्वॉल्व है ये सब रिपोर्टिंग एंटिटी है. ओके तो ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी है जैसे कि बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है, सिक्योरिटी इंटरमीडियरीज है, ज्वेलरी एंड प्रेसस मैटर डीलर है, ये सब रिपोर्टिंग एंटिटी को सर्टेन रिक्वायरमेंट की गई है कि इनको कुछ अकाउंट्स रखने हैं, कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है ना, और रिपोर्ट करनी है. ठीक है, तो इसके लिए एक सेक्शन 12 के अंदर इनकी ड्यूटी बताई गई है, रिपोर्टिंग एंटिटीज की ड्यूटी बताई गई है. सबसे पहले टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, टू इन्फॉर्म स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस कि ये जो अथॉरिटी है इसके अंदर जो उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, इंफॉर्मेशन रखनी है, वेरीफाई आइडेंटिटी करनी है, फिर जो भी पर्सन है उसका बेनिफिशियल ऑनर कौन है, उस बेनिफिशियल ऑनर की आइडेंटिटी, बेनिफिशियल ऑनर की आइडेंटिटी रखनी है. ओके और बेनिफिशियल ऑनर ऑनर की आइडेंटिटी के बाद में आपको क्या रखना है, एविडेंसिंग, एविडेंस करना, एविडेंसिंग आइडेंटिटी. तो ये सारी चीजें क्या करना है सिक्योरिटी बायल के अंदर कि जिस भी व्यक्ति जो भी ट्रांजैक्शंस करेगा किससे, बैंकिंग कंपनी से, फाइनेंस कंपनी से, सिक्योरिटी इंटरमीडियरी से, इंश्योरेंस कंपनी से, रियल एस्टेट से, ज्वेलरी से, तो जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करेगा यानी सर्टेन अमाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करेगा उनको अलग से रिकॉर्ड करना है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को इन्फॉर्म करना है, जो भी व्यक्ति कर रहा है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है और रियल में उस ट्रांजैक्शन का बेनिफिशियल ऑनर कौन है उसको पता लगाना है और उस आइडेंटिटी का एविडेंस रखना है, यानी पैन कार्ड रखो, राशन कार्ड रखो. ठीक है, उसका रेजिडेंशियल प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ रखना है. ओके और ये सारी चीजें जो रखनी है इनको कॉन्फिडेंशियल रखना है और ये जो कॉन्फिडेंशियल रख के इन सब रिकॉर्डों को 5 इयर्स तक मेंटेन रखना है. ठीक है, तो इसके अंदर दो तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, एक क्लॉज ए के अंदर और क्लॉज ई के अंदर. क्लॉज ए के अंदर 5 इयर्स शुरू होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट, जिस दिन से स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन उस दिन से 5 साल तक इसके अंदर, फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट रिलेशनशिप, जिस दिन आपका लास्ट रिलेशनशिप रही है, लास्ट ट्रांजैक्शन रहा है उसके भी 5 साल तक. दो तरह के क्लॉज के हैं, कॉन्फिडेंशियल रखना है और ठीक है. तो 5 इयर्स ये कब से लगेंगे, ये जो क्लॉज ए वाले ट्रांजेक्शन है उनमें उस दिन से जिस दिन से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है, और ये क्लॉज ई के अंदर जिन उन्होंने डीलिंग बंद कर दी उस बंद करने के भी 5 साल बाद तक ट्रांजेक्शन रखने हैं.
इसके अलावा सेक्शन 12 ये कहता है कि इन इंफॉर्मेशन के अलावा जो पीएमएलए अथॉरिटी है इट मे आस्क एडिशनल इंफॉर्मेशन. कभी भी उसने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी तो वो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखना होगा. ये नहीं उनको बता दिया जाए, बताना नहीं है कि हमसे ये इंफॉर्मेशन मांगी है, ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी इट इज टू बी फर्निश विद इन टाइम. जितना टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर फर्निश करनी, विद इन टाइम. हाँ जी, तो ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, ये रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है, ये आपकी हमने बताया, ये ऐड हो गई आपकी 2013 से ऐड कर दी गई. ओके, तो रिपोर्टिंग एंटिटी कौन कौन सी है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी, सिक्योरिटी इंटरमीडियरी, इंश्योरेंस कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, पहले ज्वेलरी एंड प्रेशियस मेटल्स के डीलर्स, एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग, इन सबको जो भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स हैं, जो स्पेसिफाई करेगी अथॉरिटी के इतनी ज्यादा, इस अमाउंट से ज्यादा वाले ट्रांजेक्शन्स आपको अलग से रिकॉर्ड करने हैं और ऐसे ट्रांजेक्शन्स को अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है. जो भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु इज डीलिंग विद यू, यू हैव टू वेरीफाई हिज आइडेंटिटी बाय पैन नंबर, बाय राशन कार्ड, बाय पासपोर्ट और एनी अदर रेजिडेंशियल और आइडेंटिटी प्रूफ, और ये यू हैव टू फाइंड आउट हु इज द रियल बेनिफिशियरी. पप्पू का पापा कौन, अमर सिंह का एक बहुत अच्छा जब सीडी का केस हुआ था तो हर बार वो एक ही बात कहता, पप्पू का पापा कौन, यानी उस पैसे का रियल ओनर कौन है. उसके बाद एविडेंसिंग आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी एविडेंस करनी है. ओके, इन सबको कॉन्फिडेंशियल रखना है और कुछ ट्रांजेक्शन जो क्लॉज ए के अंदर आते हैं उनको जिस दिन से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुए उस दिन से 5 साल तक रिकॉर्ड रखना है, और कुछ जो ई वाले ट्रांजेक्शन हैं उनको जिस दिन से रिलेशनशिप सेवर हुई, खत्म हुई, जब तक चलते रहे कंपनी, जिस दिन बंद हुए उसके बाद के 5 साल तक उन सारी इंफॉर्मेशन को रखना है. उसके अलावा सेक्शन 12 ये कहता है कि कभी भी अथॉरिटी में आस्क एडिशनल इंफॉर्मेशन, जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उसको भी फर्निश करना है, विद इन टाइम करना है और साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियल रखना है. ओके, अब ये जो अथॉरिटी की बात बार बार हम कर रहे हैं तो इसके लिए इन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है. बाकी तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह सब देखते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक अथॉरिटी जो इस पीएमएलए को देखती है उसका नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंड, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, तो इसको कहते हैं FIU इंड, ठीक है. तो अब हम समझेंगे कि जिस अथॉरिटी की हम बात कर रहे थे वो कौन सी अथॉरिटी है जो इस सब चीज को देखती है. अब हम समझेंगे क्या है FIU इंड, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट. ये जो यूनिट है, जो भी इंफॉर्मेशन है रिसीविंग किसको करनी है, रिसीव करेगी, एनालाइज करेगी और आगे डिसेमिनेट करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए या एक्शन लेने के लिए, ये तीनों काम करती है फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन से, ठीक है. तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन से उन इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगी, रिसीव एनालाइज
and disseminate informations और इसको deal करने के लिए university power has been given, power given to director FIU. FIU के director को ये सारी power दी गई है, okay? साथ ही साथ ये जो power of fine की हमने जो बात बताई section 13 के अंदर जो power of fine है, power of fine, जो fine लगाने की power है 10,000 से लेके 5 लाख खत्म कर दिया गया है to infinity, ये भी किसको है, ये भी director को है, कितना भी fine ये लगा सकता है जो भी director ठीक समझे, ठीक है। यदि एनी पर्सन इज एग्रीव्ड बाय, एनी पर्सन एग्रीव्ड जो भी एग्रीव्ड है वो 45 डेज के अंदर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर एफआईयू इन ऑर्डर ऑफ, ठीक है, इसके टू अपील ट्रिब्यूनल, जो पीएमएलए की अपील ट्रिब्यूनल और इस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की अपील कर सकता है 60 डेज, विद इन 60 डेज टू हाई कोर्ट प्लस 60 डेज डिले के लिए एक्सटेंशन में भी गिवन बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट 60 दिन की और एक्सटेंशन दे सकता है कब, इफ सफिशिएंट रीजन शो किए जाते हैं और हाई कोर्ट सेटिस्फाइड होती है उन रीजन से, तो दे ही कैन वेव एंड ही कैन गिव एडिशनल 60 डेज, ओके। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बताई थी सेक्शन 24 कि जनरली हमारे यहां बर्डन ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट पे होता है, लेकिन यहां इस एक्ट के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ चार्ज पर्सन हो और एनी पर्सन उसे प्रूफ करना पड़ेगा जिस पर चार्ज लग गया कि वो इनोसेंट है, डिपार्टमेंट ने कह दिया तो कह दिया, ठीक है, तो ही चार्ज पर्सन एनी पर्सन प्रिज्यूम्ड टू बी अक्यूज, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस इज ऑफ एक्यूज्ड, तो हमारे जो संविधान को भी क्रिमिनल एक्टिविटी से अलग है इस एक्ट के अंदर, उसको भी बाईपास करके काफी स्ट्रिक्ट और हार्श नियम बनाए गए हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंजेबल हो सकते हैं, लेकिन इस एक्ट के अंदर ऐसा किया गया है, लॉ इस तरह बनाया गया है कि अभी तक ये है कि क्रिमिनल आपको प्रूव करना होता है कि पर्सन इज एक्यूज्ड एंड ए पर्सन इज हैज डन क्रिमिनल एक्टिविटी, बट इन दिस एक्ट एक्यूज्ड को प्रूव करना होता है कि ही इज इनोसेंट, तो ये हमने आपको बताया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, काफी हार्श एक्ट है, तो कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी में कोई भी पर्सन इन्वॉल्व होता है जिससे क्रिमिनल प्रोसीड्स को यानी क्राइम की प्रोसीड्स को किसी ना किसी तरह बैंकिंग चैनल के माध्यम से या किसी भी तरह कोई उस मनी को या तो यूज करता है या यूज करने में असिस्ट करता है या उस मनी को किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, बुक एंट्री, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या किसी भी तरह उसको हेल्प करता है टू यूज इट
एज जेनुअन मनी और यूज उसको इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में आने में मदद करता है. ही विल बी चार्ज एज अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और उसके अंदर उसको 3 से 7 साल तक की सजा, जो कि यदि पार्ट टू के क्राइम होंगे तो इवन 10 ईयर्स की सजा का प्रावधान है और फाइन अनलिमिटेड है. तो काफी स्ट्रिक्ट हार्श नियम है और साथ ही साथ ये पीएमएलई एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो जरा ध्यान से करिए, ठीक है? कोई भी क्वेश्चंस हो यू कैन रीच, ओके? और कुछ इससे रिलेटेड केस स्टडी है वो ई बुक में दी हुई है. यू कैन डू इट, यू कैन, और इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज यू कैन आस्क मी. थैंक यू वेरी मच.